और रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल में बंद पड़े आयुष्मान सेंटर कुछ दिनों में ओपन होने वाले हैं। आयुष्मान यूनिट में एंडोस्कोपी यूनिट जल्द तैयार होगी। इसके लिए शनिवार को हॉस्पिटल संचालन प्रबंधन कमेटी की बैठक होगी। बैठक में संचालन की रणनीति बनाई जाएगी। इससे अब मरीजों को हफ्ता भर महीने भर भटकने से मुक्ति मिलेगी। एक ही छत यानी आयुष्मान में एंडोस्कोपी से जुड़ी तमाम इलाज अम्बेडकर अस्पताल में ही मुहैया कराए जाएंगे। अलग अलग हम एंडोस्कोपिक यूनिट के नाम से हम उसको चालू करेंगे। पूर्व में ये आयुष्मान एंडोस्कोपी सेंटर था जो गंगाराम हॉस्पिटल के द्वारा संचालित था, तो वो एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास था और उसमें सुधार कर और बाकी विभागों के साथ, मतलब सर्जरी विभाग के अलावा जो ऑर्थोपेडिक्स है, ईएनटी है, मेडिसिन है, तो इनके सभी विशेषज्ञों को एक साथ ले।